2019 लोकसभा चुनाव में 30% ईवीएम थे खराब। मोदी सरकार ने आरटीआई में खुद को भूला। क्या 2024 में भी मोदी को खराब ईवीएम चिताएंगे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में 2018 की मोदी सरकार की चुनावी चंदे की योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। ईवीएम की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ भी मान चुके हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ मुमकिन है। अब एक आरटीआई कार्यकर्ता से इंडियन एक्सप्रेस को कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 से पहले बड़ी संख्या में ईवीएम में खराबी पाई गई थी। मशीनों में कुछ खराबी चुनाव से एन पहले तक ठीक भी नहीं की जा सकी थी। क्या 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी खराब ईवीएम के कारण जीते थे? पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आपको सब विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप बताएं क्या 2024 में लोकसभा चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से होना चाहिए? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आरटीआई से क्या पता चला? कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के निदेशक वेंकटेश नायक ने आरटीआई दायर किया था। जवाब में जो दस्तावेज मिले हैं उससे पता चला है कि एफएलसी के दौरान बड़ी संख्या में वीवीपैट और सीयू में खराबी पाई गई थी। यह समस्या तब भी बन रही थी जब वोटिंग के दिन करीब आ गए थे और मशीनों में उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह डाला जा रहा था। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और केरल सहित कई राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने अधिक मशीनों की मांग करते हुए चुनाव आयोग से संपर्क किया था। ऐसी नौबत इसलिए आई थी क्योंकि बड़ी संख्या में ईवीएम खराब पाए जा रहे थे। वैसे तो चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई सीमा नहीं बताई है कि कितने मशीन खराब पाए जाने पर हाई रिजेक्शन रेट माना जाएगा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के मुताबिक अगर 5% तक बीयू, सीयू और वीवीपैट खराब पाए जाते हैं तो उन्हें स्वीकार्य माना जाता है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कुछ राज्यों में एफएलसी के दौरान रिजेक्शन रेट 30% तक था। ईवीएम पर सवाल। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल कर रही है। 14 फरवरी को ही कांग्रेस महासचिव देवराव रमेश ने कहा कि विपक्षी गठबंधन 100% वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग करती है। रमेश ने कहा, वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान की अनुमति नहीं दिया जाना भारतीय मतदाताओं के साथ घोर अन्याय है। कुछ दिन पहले भारत सरकार के पूर्व सचिव ईएएस शर्मा ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर ईवीएम की सुरक्षा के बारे में चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था, इन मशीनों का प्रबंधन करने वाली कंपनियों के बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के लोग भरे हुए हैं।